कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नियत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। ऐश्वर्या राय का ड्राइवर ना थूके रजाक पे, दो कौड़ी का रजाक, जेब इसकी फटी हुई, भिखारी मुल्क का क्रिकेटर, दो कौड़ी का बंदा यार, दो कौड़ी का। तुम ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय कौन है तुम्हें पता है? वो किस खानदान से बिलोंग करती पता है? उसका बाप कौन है तुम्हें पता है? उसका फादर इन लॉ कौन है तुम्हें पता है? तेरा कौन है रजाक? मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर राय जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपोलोजाइज करता हूँ, सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपोलोजाइज। आपकी वजह से अब्दुल रजाक पूरा पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेटर्स जो है ना उनका उनका सर शर्म से झुक गया इस तरह। मैं कह रहा हूँ औरतों पे कमेंट कर गए और रिलैक्स बैठे हो, आपसे क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन के आंसर में मजे से पांव पे पांव रख के तुम्हारे जहन में खातून आई है। यार शर्म करें आप लोग यार, आप खवातीन को टारगेट कर रहे हैं। नहीं यार, अच्छा मैं इस तरफ जाऊंगा ही नहीं कि वो अमिताभ की, अरे वो कुछ भी नहीं हो, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट की कल्चर वाइज खवातीन का एहतराम है यार। ये न्याय की स्टूपिड किस्म की ये स्टेटमेंट है और ये आपका कैरेक्टर झलकता है रिगार्डिंग औरत को आप किस तरह से परसीव और किस तरह से देखते हैं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। देखिए मैं ना, मुझे बुरा लगा इनकी बात का ना मैं सरप्राइज था, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी बात कर, देयर इज अ कैजुअल कम्युनलिज्म इन पाकिस्तान। अरे तो हिंदू हैं ये तो ऐसे, ये खुल के ऐसा बोलते हैं पाकिस्तानी, और इनको कोई बोल दे तो फिर इनको इस्लामोफोबिया डस जाता है, इस्लामोफोबिया का सांप, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। पैलेस्टीनियंस के भाई है ना, मीडिया पे बैठ के अपनी बहू को तो छोड़ ही दो यार, किसी की बहू शर्म आनी चाहिए, अपनी लल्लो निकालते इस बात पे नहीं बोला करो यार। शर्मिंदगी बहुत ज्यादा शर्म बात होती है और शर्मिंदगी आपको इसलिए होती है कि आपके मुल्क का एक स्टार इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू कर रहा है कि आपके व्यूज हैं रिगार्डिंग वुमेन। मैं तो हैरान होता हूं कि इनको तो हटा के और इनके ऊपर तो बकायदा तौर के ऊपर एक मतलब इशू करना चाहिए एक नोटिस किस्म का कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई सिंपली अपोलोजाइज। इतनी मतलब घटिया बात आप कर रहे हो यार किसी के बारे में, वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मतलब कुछ सोचो तो सही। मतलब एक एक औरत अगर एक्टर्स एक्टर रही है या अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसका मतलब ये तय कर लिया आपने कि यार वो मतलब ये नहीं कर सकती, वो अच्छा काम नहीं कर सकती। आई मीन बेटा तेरा खुद, तेरा अब्दुल रजाक खुद पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ तेरा खुद चक्कर चला था, बताऊंगा मैं सारा कुछ। एजुकेशन की कमी आपके अंदर जरूर है तो हमसे रिफ्लेक्ट ना करें एज अ सोसाइटी। हम पाकिस्तानी लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये घटिया सोच नहीं रखते कि किसी भी अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एक औरत की मिसाल इस्तेमाल कर दी जाए। बड़ा ही एक घटिया किस्म का बयान और स्टेटमेंट और अजीब गरीब किस्म का कॉमेंट अब्दुल रजाक ने दिया था जो कि बिल्कुल ही जाहिलों वाला था, बल्कि जाहिलों से भी कोई आगे नेक्स्ट कैटेगरी हो तो वो वाला था, और वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं। ये कह रहा हूं कि कम तुम भी किसी के औलाद हो यार, यू बैट तुम भी किसी के भाई हो, तुम भी किसी के मियां हो, तुम भी तुम्हारे साथ भी चीजें फैमिली जुड़ी हुई है यार। कम से कम सुगत मारते हुए कम से कम ये तो देख लिया करो कि माइक तुम्हारे पास है, मीडिया में मीडिया तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए यार आपको, आपस के दोस्त। मैं तो किसी और वजह से नहीं बोल रहा था यार, लुच्चे लफंगी बातें तुम्हारे जहन में क्रिकेट के अलावा आती कैसे है यार? मुझे बात बता यार, वो किसी की लो यार, कोई बात इज्जत है किसी की, तुम्हें मालूम है किसी की बेटी है यार, वो तुम पर लानते कम है पहले ही तुम्हारे ऊपर कि तुम फिर औरतों के निदा ढार के ऊपर तुम कूद गए थे कि विमेन, आपको विमेन से मसला क्या है ये? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अब्दुल रजाक के कमेंट को सुनकर बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो रजाक ने कहा है ये बहुत ही कॉमन है, खासकर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रिलीजियस, दूसरों के रिलीजन पे कमेंट करना या फिर दूसरों के, दूसरे धर्म के लोगों के बारे में बोलना बहुत ही कॉमन बात है। आपने देखा कि वहां पे बैठे बगल के लोगों ने किस तरह से किलकारियां मार के तालियां बजाई इस कमेंट पे। आपको याद होगा कि शाहिद आफरीदी ने जब हिंदू रिचुअल्स का मजाक उड़ाया था टीवी पे बैठ के आरती का, तो किस तरह से वहां पे बैठे लोगों ने तालियां बजाई और हंसे थे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है मेरी बातें किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करती करें तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जिसकी जिसकी किताब ही ये सिखाती हो कि औरत खेती है, जैसे चाहे वो वैसे यूज करो, तो फिर उनके लिए ये बातें कॉमन हैं। आपको मैं एक फैक्ट बताऊं तो औरत शब्द आपने कहीं हिंदू ग्रंथों में या हिंदुज्म में नहीं है, औरत है एक अरबी शब्द जिसका अगर मैं आपको अर्थ बताऊं, चलो बता देता हूं, औरत शब्द निकला है अरबी वर्ड औरा से जिसका मतलब ही होता है प्राइवेट पार्ट। तो जो धर्म जो रिलीजन महिलाओं को प्राइवेट पार्ट का दर्जा दे, वो आप सोच सकते हैं उनके लिए जहनीयत कैसी होगी।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि ये हिंदू हैं, ये तो गटर हैं, ये तो सुअर हैं, ये तो गंदे हैं, ये तो जहन्नुम में जलेंगे, ये बातें आपको पता है। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और क्या सोचते हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जाहिल आदमी जाहिल ही रहता है। तो अगर आप एक रजाक को देखें, उमर गुल को देखें, शाहिद अफरीदी को देखो, तीनों ताली में बजा रहे हंस भी रहे। भाई आपके भी घर में लेडीज होंगी, मां बहने होंगी, वो भी सोच रहे होंगे यार ये कैसे मर्द हमने पैदा किए, ये कैसे लानती लोग हैं। तो भगवान आपको और तरक्की दे, इन द सेंस कि आपको एजुकेशन मिले, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हो। और रजाक के लिए भी, अफरीदी के लिए भी, उमर गुल के लिए भी यही है, मैं उनसे बुरा नहीं मानता। बिकॉज यार जब आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होगी, जब आपकी पढ़ाई आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी नहीं, राइट, किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा लाइफ में, तो आप ऐसी बातें करोगे। हमारे सामने हम भी कभी बचपन में ऐसी बात कर देते होंगे, हाँ। जब अकल नहीं होगी, राइट। अब तुम 50-50 साल के बुड्ढे हो गए हो, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही, तब तक तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं। हमें भी कोई मिला ना कि बेटा ऐसी बात नहीं करते, औरतों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, या हमारी मम्मी ने, बुआ ने, किसी ने सिखाया होगा, तुम्हारी भी खाला वगैरह होंगी, कोई मम्मी होंगी, सबके सब बहनें होंगी, उन्होंने बोला होगा भाई ऐसी बातें औरतों के लिए ऐश्वर्य लायक को तो छोड़ दो, उसके तो आप नौकर बनने के लायक नहीं। सही में भाई आप भिखमंगे भिखारी एक नंबर के, मतलब क्या आपको मैं क्या बोलूं अब्दुल रजाक वगैरह को, आप ऐश्वर्या राय के सच्ची में तो वो आपको मतलब क्या मैं आपको फिर बोलूं, बोलेंगे तो और ज्यादा गलत हो जाएगा, फर्क क्या रह जाएगा, डॉक्टर रखने के लायक भी नहीं हुआ। तो फिर आप ऐसी बात करो, और इंडियन एक्ट्रेस का नाम लेने की आपको क्या जरूरत थी, आपके पास अपनी एक्ट्रेसेस नहीं है, आपने ऐसी गिरी हुई बात करनी थी अपनी किसी खातून के बाद में, वैसे तो करनी नहीं चाहिए किसी के बाद। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हो लाइमलाइट में रहने के लिए। सो गुस्सा बड़ा चढ़ा उस टाइम पर, इसी वजह से ना पाकिस्तानियों में भरोसा नहीं करते इंडियंस, ऐसी घटिया बातें करते हो, और इंडियन एक्टर का नाम क्यों ले रहे हो भाई आप, उनकी बच्चे हैं, वो इतनी बड़ी हो गई हैं, उम्र हो चुकी है एक, आप पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो। और शाहिद अफरीदी से भी यही दरख्वास्त है भाई, किसी भी औरत के चरित्र पे कीचड़, ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आम सी बात है, बिकॉज दिमाग तो है नहीं, दिमाग से तो पैदा नहीं है, मोस्ट पाकिस्तानीज डोंट हैव अ ब्रेन, राइट, एंड दे हैव एन आईक्यू लेस देन दैट ऑफ अ सैलेड बोल। अब इशू ये होता है कि जब आप इनसे कोई इंटेलेक्चुअल बात करें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये बदतमीजी पे उतर आते हैं। वसीम अकरम को देख लीजिए, और मैं उसकी बॉलिंग स्किल्स को बड़ा एडमायर करता हूं, और करता था भी, आज भी करता हूं, क्रिकेटर असाइड, उसने एक रैंक कास्टिस्ट रिमार्क जिसका मैं वीडियो चला भी नहीं सकता, उसने कास्टिस्ट रिमार्क टेलीविजन पर, और किसी ने उसको टोका नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा आम है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं बड़ा आम है, अगर आप सुन्नी मुसलमान हो, ठीक है, आप किसी के मुंह पर तेजाब फेंकने कोई बात नहीं, पाकिस्तान में आपको सात खून माफ है। तो ये जो अब्दुल रजाक ने बोला दोस्तों, ये ऐसी कोई ये बात गलत थी, बात बोनी थी, काफी फिर क्रिकेटर शोएब अख्तर ने बड़ा कंडेम करा ये सब, लेकिन मैं आपको बताता हूं 90% पाकिस्तानियों का यही माइंडसेट है, यही माइंडसेट है। व्हेन वी फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर फाइट एक ज़हनियत के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, ये लोग हैं ऐसे।